नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, मामला अगस्त महीना 2021 का है। भागलपुर में एसडीपीओ के पद पर तैनात तत्कालीन बिहार की महिला डीएसपी ऋषिकृष्णन का एक मामला सामने आया था। आपने खबरें देखी होंगी और आपको शायद याद होगा, तो उस दौर में यह मामला खूब उठा था कि उन्होंने अपने पति को आईपीएस की वर्दी पहना दी थी और उस वर्दी में उन्होंने फोटो लेकर के उस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद जांच की आंच भी आने लगी और ये बात जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक भी जा पहुंची थी। अब उस दौरान ये हुआ कि सरकार ने इस पर जांच कमेटी बैठाई और जांच का जिम्मा अपने हवाले रखा, लेकिन अब ऋषिकृष्णन जो कि तत्कालीन महिला डीएसपी है बिहार की, उन्होंने ही अपने पति का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। हालांकि उनके पति कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है और ऐसे में उन्होंने वर्दी पहनाकर उनका फोटो शेयर कर दिया था, तो अब बिहार सरकार इन पर एक्शन लेने के मूड में आ गई है, इन पर अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि जो जांच इनके खिलाफ चल रहा था उस जांच में इन्हें दोषी करार दिया गया है, उस जांच में ये दोषी पाई गई हैं। बात कर रहे हैं उसी महिला डीएसपी ऋषिकृष्णन की, जिन्होंने अपने पति को आईपीएस की वर्दी पहना करके सोशल मीडिया पर फोटो वायरल किया था। उस दौरान खबरें काफी चली थी, आपको याद है। दरअसल पति को आईपीएस की वर्दी पहनाकर तस्वीर वायरल करने के मामले में भागलपुर के कहलगांव की तत्कालीन महिला एसडीपीओ ऋषिकृष्णन प्रारंभिक तौर पर दोषी पाई गई है। गृह विभाग ने इस मामले में उन पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके लिए शाहबाद के डीआईजी छत्रनील सिंह को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। महिला डीएसपी के 10 कार्य दिवस के अंदर या डीआईजी के निर्देश पर तय समय पर डेहरी स्थित डीआईजी कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। ऋषिकृष्णा फिलहाल सासाराम में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल महिला बटालियन में डीएसपी है। गृह विभाग के संकल्प के अनुसार ऋषिकृष्णा के पति सौरभ कुमार न तो आईपीएस है और न ही पुलिसकर्मी है। पिछले साल कहलगांव एसडीपीओ रहते हुए महिला डीएसपी ने अपने सरकारी मोबाइल के व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट मीडिया पर अपने पति के साथ आईपीएस की वर्दी में फोटो और वीडियो शेयर किया था और अब जबकि इस पर जांच चल रहा था तो जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि बटेश्वरनाथ मंदिर में अपने पति के साथ ऐसी तस्वीर बनवाई जिसमें पति पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं। इस मामले को ऋषिकृष्णन के मनमानेपन और पति को वर्दी पहनाने की मौन स्वीकृति देना माना जा रहा है और यही कारण है कि इन्हें दोषी करार दिया गया है। ये समाज में भ्रम फैलाने की का परिचायक है जो पुलिस पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल है। ये सारी बातें जो है बिहार पुलिस का कहना है। ये सारे इल्जाम जो है इन पर लगे हैं, ये सारे आरोप जो है इन पर लगे हैं और ऋषिकृष्णा की मुश्किलें इसके साथ ही बढ़ गई है। ये कहा जा रहा है कि अब इन पर कार्रवाई होगी। इस मामले में महिला डीएसपी ने लिखित बचाव अभिकथन भी दिया जिसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अब महिला डीएसपी पर लगे आरोपों की वृहद जांच के लिए विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अब गहनता से जांच होगी इस मामले में और भी कार्रवाई बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि ऋषिकृष्णा की मुश्किल और बढ़ जाए। ऋषिकृष्णा ने 2021 के अगस्त महीने में जो कुछ भी किया था उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि उनके द्वारा किया गया ये काम उनके लिए उनके नौकरी पर खतरा आ जाएगा, उनके लिए ये जो है गले की फांस बन जाएगा और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि भागलपुर के कहलगांव में एसडीपीओ के पद पर रहते हुए तत्कालीन महिला डीएसपी ऋषिकृष्णन ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी जांच अब हुई है, पूरी हुई है और इस जांच में उन्हें दोषी करार दिया गया है और इसके साथ ही उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।